बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें सिमटने में मसरूफ़ होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं सुबह के नाश्ते के लिए बैंगन का एक ऐसा नया भरता बनाने का नया और आसान तरीका, जो बनाने में बहुत आसान और बहुत ही मज़ेदार। दोस्तों इसके लिए हमें क्या चाहिए? दोस्तों ये रेती गर्म की हुई है, मिर्ची हम हसबे जायका एक चम्मच डालेंगे, नमक हसबे जायका, देसी घी जो हमने रखा है तकरीबन 50 ग्राम। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मिट्टी को खोल के और एक गढ़ा बना लेंगे। ये बहुत गर्म है, अब हम इसमें बैंगन डाल देंगे। मैंने तकरीबन आधा किलो बैंगन लिया है, इसको इस तरीके से बंद कर देना है। दोस्तों जब ये पकना शुरू होगा तो ऐसे मिट्टी बबल छोड़ना शुरू करेगी। ये जैसे जैसे पकता जाएगा ये बबल ज़्यादा छोड़ता जाएगा। दोस्तों बैंगन पक के तैयार हो गए हैं, अब हम इनको निकाल देंगे। ये आप देख लें बिल्कुल तैयार हो गए, नरम मुलायम। अब हम इनको एक ठंडे पानी में डालते जाएंगे ताकि इनका छिलका आसानी से उतारा जा सके। दोस्तों बैंगन ठंडे हो गए हैं, अब हम इनका छिलका उतार देंगे। इस तरीके से आसानी से उतर जाएगा छिलका और मिट्टी भी हट जाएगी। दोस्तों एक फ्राई पैन लेंगे, अब हम इसमें घी डाल देंगे। घी को गरम करके हम इसमें बैंगन डाल देंगे। आप चाहें तो मक्खन भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने देसी घी इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें ये बैंगन शामिल कर देंगे, इनको मैश कर देना है। आधे एक चम्मच मिर्ची, आधे चम्मच नमक हम शामिल करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दूसरा नमक डाल सकते हैं। दोस्तों इसका पानी खुश्क हो गया, आप देख लें घी छोड़ रहा है, अब हम इसको उतार देंगे। थोड़ा सा नमक और डाल दिया है। दोस्तों मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना और दोस्तों में शेयर कर देना। दोस्तों ये बिल्कुल सादा सिंपल सा हमने भरता बनाया है, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना और दोस्तों में शेयर कर देना और कमेंटमेंट करके मेरे को बता देना कि कैसा बना।
तो मिलते हैं किसी नई और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगाहबान। बहुत ही हल्दी और जायकेदार सादा सा सिंपल हमने भरता बनाया है। ये आप देख लें, सुबह का नाश्ता है, हमने पराठे भी बनवाए हैं और पराठे के साथ इसको खाया जाता है।